संजय जी, सबसे बड़े पॉइंटर्स आपको क्या लग रहे हैं और क्या आपको भी कॉन्ट्रडिक्टरी नंबर्स कुछ, अगर ऐसा है तो आप भी पॉइंट आउट कीजिए क्योंकि आप भी एक सोफोलॉजिस्ट हैं, क्या आपको भी कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी नंबर्स मिल दिख रहे हैं इसमें, इस सर्वे में? देखिए, मुझे लग रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के जो नतीजे थे, लगभग ये सर्वे उसी ओर इशारा कर रहे हैं कि कमोबेश स्थितियों में कोई बदलाव नहीं आया है। बीजेपी 2024 के चुनाव में उसे एक तरह से नुकसान हुआ था, वोट प्रतिशत नीचे गिरा था, सीटें नीचे आई थी, स्थिति कमोबेश बीजेपी के लिए वैसी की वैसी बनी दिखाई पड़ती है। बीजेपी को अलग अलग राज्यों में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, सर्वे इसी ओर संकेत दे रहे हैं। और कांग्रेस जिस स्थिति में थी लगभग वैसी है, लेकिन विधानसभा के जो आने वाले चुनाव हैं वहां उनकी स्थिति अच्छी दिखाई पड़ती है, कमोबेश यही ये सर्वे दर्शाता है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा इशू आशुतोष जी बनता हुआ हर जगह दिखाई दे रहा है, लेकिन नेशनल फ्रंट पर हम देखें तो महंगाई 15% के साथ वो भी एक बड़ा इशू उभरता हुआ दिख रहा है, महंगाई भी एक इशू है। देखिए, बेरोजगारी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं कि बेरोजगारी कोई बहुत बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ी बात ये। और मैं तो देख के हैरान रह गया कि जिस तरीके से रिजर्व बैंक ने कहा कि पिछले 4 सालों में 8 करोड़ अगर रोजगार है, अगर 8 करोड़ रोजगार लोगों को मिला है तो फिर ये हरियाणा में जो 46-47% दिखाई पड़ रहा है, महाराष्ट्र में दिखाई पड़ रहा है 47%, जम्मू कश्मीर में दिखाई पड़ रहा है, तो ये कहां से आंकड़े आ रहे हैं? और इनके बीच में और महंगाई के आंकड़े के बीच में अगर आप देखेंगे तो जमीन आसमान का फर्क दिखाई पड़ा। और सिर्फ इस चुनाव में नहीं बल्कि इस चुनाव के पहले भी जितने सर्वे में, हर सर्वे में बेरोजगारी टॉप पर है। तो सवाल ये है कि सरकार को इसको लेकर बहुत गंभीरता के साथ बात करनी चाहिए। एक अच्छी बात यह हुई कि जब इस बार बजट आया तो उसमें कम से कम इंटर्नशिप योजना के बारे में बातचीत की, जो इस बात का रियलाइजेशन था कि कम से कम बेरोजगारी को सरकार एक मुद्दा मानती है। हाँ। और अगर ये मुद्दा इसी तरीके से बढ़ता रहा तो दो दिक्कतें बहुत अच्छी तरीके से होंगी। एक, लोगों के अंदर एक आक्रोश धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि बेरोजगारी का मतलब क्या है? युवा अगर बेरोजगार है तो फिर क्या होगा? समाज के अंदर चोरी होगी, डकैती तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक अनसर्टेनिटी बढ़ती समाज के अंदर, सोशल कॉन्फ्लिक्ट उससे बढ़ता है, और ये उस दिशा में मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसलिए सरकार को फौरन बेरोजगारी पर कंट्रोल करना चाहिए। और हरियाणा तो ट्रेडिशनली पिछले 4-5 साल से लगातार देखें 40% के नीचे में आंकड़ा जा ही नहीं रहा। ठीक है, ये तो हुआ कि क्या सरकार को उस पर करना चाहिए, लेकिन आपके लिए सिर्फ एक सबसे बड़ा टेक अवे, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता क्या अभी भी उस तरह से तीसरी बार सरकार में आने के बावजूद बरकरार है? 240 सीटें बीजेपी की आई, जो कि सभी इंडिया गठबंधन की पार्टियों को जोड़कर भी ज्यादा है, लेकिन अगर उनकी लोकप्रियता दिखती है तो गुस्साने से कुछ नहीं होगा। ये 15 जुलाई से लेकर अभी तक का है, इट्स टू अर्ली टू रीच टू एनी कंक्लूजन। जो लोकसभा का नतीजा है मुझे लगभग वही नतीजा अभी भी दिखाई पड़ रहा, उसमें 19-20 का भी फर्क नहीं है भाई, 240 से 243 यही है, या 293 से 296 वोट परसेंट में भी 1% के इधर उधर हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अभी इट्स टू अर्ली कुछ भी कहना या किसी बात किसी टिप्पणी करना, लेकिन एक चीज जो दिखाई पड़ रही है वो ये कि कांग्रेस पार्टी को जो गेन लोकसभा के चुनाव में मिला था वो गेन अभी भी बरकरार है। बस इतना कहूंगा, उसमें कोई जबरदस्त उछाला है ऐसा नहीं, लेकिन 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 4 सीटें बीजेपी बढ़ रही है और 6 सीटें बढ़ रही है, लेकिन 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 नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बरकरार है और ये नंबर सामने दिखाई दे रहे हैं, चाहे उसको कोई एक्सेप्ट करना चाहे नहीं करना चाहे, आंख पर पट्टी बांध ले, उससे कुछ नहीं होगा। आलोक जी देखिए, आपने इनको कह दिया मोदीनामा पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी के ये चुनाव थे ना जिसमें बीजेपी को अकेले 240 सीटें आई और इंडिया गठबंधन के सभी साथियों को मिलाकर भी नहीं। कुछ ऐसी बातें जो आपको भी स्वीकारनी होगी, अगर बेरोजगारी सबसे बड़ा इशू है ये बीजेपी को स्वीकारना होगा तो आपको भी एक लीडर कौन होगा जो चैलेंजर बनेगा मोदी का, वो सबको मिलकर सोचना पड़ेगा और उस पर काम करना होगा। मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले कुछ नंबर्स हैं, उसके बाद से शिजाद जी आपसे और आलोक जी से बहस करेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रदर्शन को लेकर जब हमने लोगों से प्रश्न पूछा तो 24% लोगों ने कहा बहुत अच्छा, 27% लोगों ने कहा अच्छा, औसत कहने वाले 19%, खराब कहने वाले भी 24% ही थे, जितना बहुत अच्छा कह रहे थे। तो अगर आप बहुत अच्छा और अच्छा को मिला लें तो लगभग 50 से ऊपर ही आंकड़ा पहुंच रहा है, जो कि 53 पर पहुंच रहा है आंकड़ा, जो ये कह रहा है 51% कह रहा है कि अच्छा काम है उनका, 24% बहुत अच्छा कह रहा है, एवरेज मानने वाले 19% है, खराब मानने वाले 24% है। और अगला सवाल राहुल गांधी के इर्द गिर्द ये सवाल है जो 3-4 हम आपको दिखा रहे हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में बेहतर प्रदर्शन किसका है? तो राहुल गांधी के तौर पर 55% वोट है, वहीं प्रियंका गांधी के लिए 17% वोट है। जो अगला प्रश्न हमने किया था इसमें वो है विपक्ष में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा मानते हैं आप?
यहाँ पर फिर से दोहरा दीजिए, बचे हुए लोग डोंट नो कांड से में हैं, नहीं तो आलोक जी फिर से नाराज हो जाएंगे कि 100 नहीं पूरे हुए। डोंट से नहीं वाले जो लोग थे वो उनके नंबर्स हमने नहीं दिखाए क्योंकि बहुत सारे नंबर्स कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। बता आपको सॉलिड एक मिल रहा है वो हम क्लैरिटी से आपको बता देना चाह रहे हैं। 55% लोग राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं। अब जो अगला प्रश्न हमने पूछा कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस का विपक्ष में जो प्रदर्शन रहा है उसको आप कैसे देखते हैं, तो इसमें बहुत अच्छा कहने वाले 18, 26 है अच्छा कहने वाले, औसत कहने वाले 20, खराब कहने वाले 14%। तो यहाँ पर फिर कांग्रेस पार्टी एक अच्छे विपक्षी पार्टी के तौर पर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, दिखाई दे रही है। अब जो अगला प्रश्न हमने पूछा था वो है कांग्रेस की अगुवाई को लेकर एक पेपर लीक वाले मुद्दे पर, दरअसल हम आपसे के सामने नंबर रखना चाह रहे हैं। ये देख लीजिए यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन जनता मान रही है। पेपर लीक के मुद्दे पर जिम्मेदार कौन में केंद्र सरकार 28% लोग कह रहे हैं, अधिकारी जिम्मेदार है 21% कह रहे हैं, राज्य सरकार जिम्मेदार है 19% कह रहे हैं, 13% कह रहे हैं पेपर तैयार और परीक्षा केंद्र पर भेजने वाले लोग, और 7% कह रहे हैं पेपर लीक माफिया इसके लिए जिम्मेदार है। अब एमएसपी के मुद्दे पर सीधा आ जाते हैं, एमएसपी की कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए हाँ कहने 87% है 87% और 9% है नहीं कहने वाले। ये भी कृषि के मुद्दे पर, हालांकि जब मुद्दा राज्यों में पूछा गया तो कृषि को लेकर बहुत ज्यादा लोगों में टॉप ऑफ द माइंड पर नहीं था, बेरोजगारी बहुत बड़ा। 3 नए जो आपराधिक कानून आए हैं भारतीय न्याय संहिता की बात है तो उसमें जरूरी 22% कह रहे हैं अच्छा लेकिन सुधार की जरूरत 31%, गलत कहने वाले 22% लोग हैं। अग्निवीर योजना क्या जारी रहनी चाहिए इस पर देखिए 27% कह रहे हैं हाँ, 38% कह रहे हैं कुछ सुधार के साथ, 27% कह रहे हैं नहीं, 27 हाँ 27 नहीं, 38% बीच वाले डिसाइसिव हो सकते हैं इसमें। वो उनके विरुद्ध नहीं है, योजना के विरुद्ध नहीं है, वो कह रहे हैं कि इनको सुधार के साथ में दोबारा सुधार के साथ, कुछ सुधार के साथ वो कह रहे हैं अग्निवीर योजना चलना चाहिए। ये जो सवाल है एक राष्ट्र एक चुनाव कितना सही है 66%, ये देखिए 72% लोग कह रहे हैं सही है, इसमें तो कई लोगों की राय होगी, 72% लोगों में बहुत लोगों की राय जुड़ जाएगी जो मानते हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव। अब जल्दी जल्दी कंक्लूडिंग रिमार्क सबसे लेते हुए शहजाद पूनावाला जी आपके साथ शुरुआत करते हुए, देखिए फायदा आपको भी हो रहा है 4 में, लेकिन ये सच है कि कांग्रेस पार्टी की भूमिका को लेकर जनता उत्साहित दिख रही है, उनके विपक्ष के कामकाज को देखकर और एक बड़े चैलेंजर के तौर पर देख रही है। शहजाद जी देखिए अंजना जी, वैसे तो मैं अनुशासन का पालन करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं मेरे साथ और मेरी पार्टी के साथ अन्याय हो, पर मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ। आपका जो इस श्रृंखला में सवाल नंबर 2 था वो सवाल था कि ऑपोजिशन के रूप में कांग्रेस की भूमिका को कैसे आंकते हैं लोग, तो 44% ने बोला अच्छा है ठीक है वो जो भी है, मतलब 56%, ये तो हमारे साथ कॉम्पिटिशन नहीं था, इट वॉज कांग्रेस वर्सेज SP वर्सेज TMC वर्सेज DMK वर्सेज NCP, ये सारी पार्टीज थी, उसमें भी कांग्रेस को 50 के ऊपर नहीं मिला है, हालांकि ये सबसे बड़ी पार्टी है। मतलब 56% लोग कांग्रेस के परफॉर्मेंस को देखने के बाद बोल रहे हैं नहीं बाबा तुम तो ऑपोजिशन के लीडर के भी लायक नहीं हो, 56% किसी और को चाहते हैं। और देखिए एक बात मैं कहना चाहता हूं, मी मराठी माणूस आहे आणि ज्यापेक्षा आलोक शर्मांनी यशवंत देशमुखला अपमान केला आहे हे मराठी माणसांचा अपमान है, ही हॅज इन्सल्टेड मराठी माणूस ऑन दिस शो। मैं घोर आपत्ति करता हूं कि एक मराठी व्यक्ति के साथ जिस प्रकार का अपमानजनक व्यवहार यहां पर किया गया, पूरा रिजल्ट डेटा जाने के बाद, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा है कि ये पूरा डेटा भी ये जिस प्रकार से, नहीं वो माने ना माने हमको भी पता है, ये देशमुख विलासराव देशमुख को कहां से है, ये देशमुख चिन्हित करके बार बार बोला इन्होंने। मैं मराठी लोगों की ओर से घोर आपत्ति दर्ज करता हूं, चलिए मैं इस पे विषय में नहीं जाना चाहता, ये आलोक जी की पार्टी का सोच है कैसे वो मराठी लोगों को गाली देना चाहते हैं, महाराष्ट्र में इस डिबेट को लोग देख रहे हैं। आखिरी में मैं केवल देखिए कहना चाहता हूं कि अभी देखिए MSP पे 87% लोगों ने बोला, कितनी अच्छी बात है, केरल में MSP और APMC एक्ट लागू ही नहीं है। अब मैं बोलना चाहता हूं, हमने तो 3 किसान कानून वापस ले लिए थे जिसमें कि APMC का रिफॉर्म था, केरल में APMC है ही नहीं, एक बार आलोक जी एक को बार कह दीजिए कि केरल में हम MSP APMC लागू करके देंगे, एक को बार कह दीजिए, नहीं कह सकते।
और यही मैं कह रहा हूं अंजना जी, ये कंपटीशन हमारे साथ तो नहीं है, जनता को भी पता है कि झूठ की एक्सपायरी डेट है। अब ये लोग जो है एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ रहे हैं कि मैं आगे बढ़ूं या तू आगे बढ़। लेकिन अगर ऐसा है शहजाद जी, तो कांग्रेस को गेन कैसे हो रहा है? पंजाब में नहीं, हरियाणा में नहीं, दिल्ली में नहीं, कहां है? कांग्रेस को ऊपर भरोसा कर रहे हैं? एक वाक्य में कह देता हूं, मैं एक वाक्य, वन लाइन, जस्ट वन लाइन। कांग्रेस का गेन इक्वल समाजवादी टीएमसी लेफ्ट का पेन। ये पेन उनको देकर ये कांग्रेस गेन कर रही है। कांग्रेस जो कहा मोदी जी ने, ये परजीवी है। आलोक शर्मा जी, अब जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता आज भी बरकरार है और ये सच्चाई है कि 240 सीटें बीजेपी की ढाई महीने पहले के रिजल्ट में आई है, आपकी 99 आई थी। लेकिन सिर्फ चिल्ला देने से ऐसा नहीं होगा कि आपका कोई नेता है, सबसे बड़ा चैलेंजर बनके उनकी लोकप्रियता को दो महीने में कुश्ती में पस्त कर देगा, है ना? तो आप अपने पॉइंट्स रखिए। और क्या आपको लगता है कि यहां से जो कांग्रेस पार्टी के आगे की सफर है उसमें आप सबसे बड़े चैलेंजर अगले चुनाव तक बन जाएंगे? देखिए, झूठ नेक्सस को तोड़ने के लिए कई बार चिल्लाना पड़ेगा और हम चिल्लाएंगे भी। केरल में केवल एमएसपी लागू ग्रेन्स पर नहीं है, फल और सब्जियों पर भी है। थोड़ा सा ज्ञान का वर्धन कर लें। अडानी पर सवाल आता है तो बीजेपी डिफेंड करने चलती है, सेबी पर सवाल आता है तो बीजेपी डिफेंड करने चलती है वहां पे। और देशमुख साहब, एक मिनट सुनिए ना भाई, यहां पे मंडी है। अरे भाई, मंडी बिहार में है क्या? हां या ना बोलो। बिहार में है क्या? अरे तो गुजरात में है क्या? आपकी सरकार थी। अरे गुजरात में है क्या? अरे आप लागू बिहार में है क्या? अरे क्या बोले, बिहार में है क्या? बिहार में आप लागू क्यों नहीं किए? आपके थे ना तेजस्वी जी। पूरा करने दीजिए शहजाद जी, बीच में शहजाद जी मैं आपको मौका दूंगी। रुक जाइए, मुझे सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भी देखना है। पूरा करने दीजिए आलोक जी। वापस आता हूँ। क्या नेक्सस से मराठी मानुष इतना आरोप मत लगाइए। सेबी का चेयरमैन भागने लगे मराठी मानुषों पर ये आरोप। अरे भाई, आ रहा हूँ ना मैं। अगर देशमुख जी, अरे भाई मराठी मानुष, अगर मराठू मानुष बदलापुर में रेप करेगा तो उसको भी आप बचाएंगे क्या? ये इमोशनल कार्ड खेलना बंद कीजिए। ये क्या बोल रहे हैं? ये क्या बोल रहे हैं? क्या होगी? ये क्या बोल रहे हैं? और चाहे कोई और, ये क्या बोल रहे हैं? वापस आता हूँ, फिर वापस आता हूँ। मराठी फिर वापस आता है क्या? नहीं, ये महाराष्ट्र का अपमान है। अरे भाई, अगर अंजना जी महाराष्ट्र का अपमान है, मराठी में मराठी रेप किया क्या, उसको बचाएंगे क्या? ये कैसे बोल दिया इन्होंने? अरे छोड़िए ना, अपमान बोल दिया आपका, खेल बंद कीजिए। क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहस का स्तर यहाँ पहुंच गया है कि अब इस बहस को आगे ले जाने का कोई मतलब नहीं बनता है।